अगली खबर में बात करते हैं बहराइच की, जहां सूबे के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि वह गुंडा, बदमाश, लुच्चा और लफंगा के पोषक हैं। पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव को जनता ने नकार दिया है, 14, 17, 19 और 22 हारे जनता ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति का तकाजा है कि जनता जिसके साथ होती है हम उसी की बात करते हैं। पाठक ने कहा कि अभी आपने देखा कि वह आजमगढ़ जेल किससे मिलने गए थे, पुलिस ने जिसे अवैध शराब बेचने के आरोप में जेल भेजा उससे वह मिलने गए थे, यानी जितने गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे हैं उनके वह समर्थक हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको महिमा मंडित करते हैं। पाठक ने कहा कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त वातावरण बनाने के लिए कृत संकल्प है, हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि आज जो NCERB का डाटा आया है उसमें उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बताया गया है, अपराध के मामले में हमने वो कर दिखाया है, उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे देश में हो रही है, उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे आज जेल में हैं या प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। बृजेश पाठक विकास कार्यों की समीक्षा और स्थलीय निरीक्षण के लिए अपने एक दिवसीय दौरे पर बहराइच आए हुए थे। कलेक्ट्रेट में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि बहराइच के चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है, उसी परिकल्पना को पूरी करने के उद्देश्य से आज हम बहराइच में हैं। बिंदुवार सभी विभागों की समीक्षा हुई है, समीक्षा के दौरान जो कमियां मिली उनमें सुधार के लिए कहा गया है, जो अधिकारी, जो चिकित्सक ड्यूटी में लापरवाही करते पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी, हर स्थिति में बहराइच को नंबर एक पर लाना है। बहराइच जनपद के चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी सरकार का संकल्प है, उसी परिकल्पना को पूरा करते हुए हम आज बहराइच में हैं। बिंदुवार सभी विभागों की समीक्षा हुई है, समीक्षा के दौरान जो त्रुटियां मिली उनमें सुधार करने कहा गया है, जो अधिकारी, जो चिकित्सक ड्यूटी पे लापरवाही करते पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हर स्थिति में बहराइच को नंबर एक पर लाना है। सर, एक सर, अखिलेश यादव ने आज अपनी PC में कहा है कि ये ट्विन टावर जैसे ये ट्विन डिप्टी CM है और उनके बयान दिल्ली से है। सर सर, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। जनता ने उन्हें बुरी तरह नकारा, लोकतंत्र में तकाजा ये है कि जनता जिसके साथ होती है हम उसी की बात करते हैं, जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है, 14 हारे 17 हारे 19 हारे 22 हारे, गुंडा, बदमाश, लफंगा, लुच्चा उनके वो पोषक हैं। अभी देखा था आजमगढ़ जेल में जाके किससे मिले थे, जिसको पुलिस ने जेल में भेज दिया, जो शराब अवैध बेच रहा था उससे मिलने गए थे, यानी जितने गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे उनके वो समर्थक हैं उनको ही प्रमोट करते हैं, उनको महिमा मंडित करते हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त वातावरण बनाने के लिए संकल्प है, हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज कायम करेंगे। आज जो NCERB का डाटा आया है उसमें उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बताया गया है, अपराध के मामले में हमने वो कर दिखाया है, उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे देश में हो रही है कि उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे या तो जेल में है या प्रदेश छोड़ करके चले गए। इससे पहले हम लोग जल जीवन मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाएं देखी है, हमने पेयजल के लिए जो इंतजाम किए थे वो देखे हैं, इसके बाद हमने CHC हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, इसके बाद वो आश्रय स्थल का भी निरीक्षण किया है। अभी बिंदुवार जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा होगी, इसके बाद जनपद के जो जनप्रतिनिधि और हमारे आम जनमानस के लोग हैं उनसे भी हम मिलेंगे सर सर, और एक एक बिंदु पर बहराइच जनपद को प्रदेश में अव्वल नंबर पर लाना है। सर, लगातार बहराइच मेडिकल कॉलेज अपनी बदहाली के कगार पर है और वहाँ पे निरंतर, इसीलिए हम लोग बहराइच जनपद में आकर के बिंदुवार उसकी पूरी विस्तृत रूप से निरीक्षण करेंगे।